तो दोस्तों TCS ने आज के दिन अपने फाइनल क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट को हम देखेंगे कैसे रहे उनके रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन को वो मीट कर पाए या नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ देखने को मिली, सारा सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस पर क्या पड़ सकता है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल डिविडेंड की बात किया जाए तो जो फाइनल डिविडेंड है वो ₹22 प्रति शेयर यहां पे अनाउंस किया गया है। ये फाइनल डिविडेंड इस क्वार्टर में यहां अनाउंस हुआ है। तो दोस्तों यहां पे हम आ गए इनके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, जहां पर ये हमारा क्वार्टर फोर का FY22 है, ये हमारे क्वार्टर थ्री FY22 है और ये क्वार्टर फोर FY21 है। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन किया जाएगा। ऑल्दो डिटेल में कंपैरिजन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले एक बार हम देख लेते हैं सारी वैल्यूज कैसे आई हैं, इस बार के रिजल्ट कैसे रहे हैं। फिलहाल एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इनके लिए ये है कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन यहाँ पे 50,000 करोड़ का मार्क TCS ने यहाँ पे टच किया है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर पिछले साल इतने रेवेन्यू नहीं थे, दिस इज द हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और 50,000 के यहाँ पे मार्क को टच कर लिया है। टोटल इनकम की बात करें तो 51,572 करोड़ का टोटल इनकम रहा है इनका। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 50,000 करोड़ के आसपास था, यानी ज़्यादा ग्रोथ तो यहाँ पे देखने को नहीं मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पिछले साल की बात करें तो 44,000 करोड़ का हमें देखने को मिला है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। अगर हम रेवेन्यू में से इन एक्सपेंस को माइनस कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, यानी कि क्लियर कट अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू से अगर आप एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपका निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो आप देख सकते हैं कि पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 12,500 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है 13,364 करोड़ है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी अभी टैक्स इस पर इंक्लूडेड नहीं है। अगर यहाँ पे टैक्स को भी माइनस कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और वो निकल के आता है 9,959 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 9,806 करोड़ के प्रॉफिट थे और सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 2021 की अगर हम बात करें तो वहां प्रॉफिट निकल के आया था 9,282 करोड़। तो डेफिनेटली एक स्मॉल इंक्रीमेंटल ग्रोथ आपको यहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगी। कंपनी के अगर हम कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी जोड़ दें जो कि लगभग 126 करोड़ का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट में एक स्मॉल सा इंक्रीमेंटल गेन देखने को मिलेगा जो कि लगभग 10,000 करोड़ के मार्क को टच कर जाता है। अगर इस हिसाब से यहाँ पे EPS को देखा जाए तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में EPS ₹26.85 हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹26.41 थे और लास्ट ईयर की बात करें तो ₹24.97 थे। यानी EPS में भी एक स्मॉल इंक्रीमेंट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस क्वार्टर के कुछ की पॉइंट्स को देखें तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर यहां पे इनका जो ऑर्डर बुक है वो इस क्वार्टर में देखने को मिला है जो कि लगभग $11.3 बिलियन का है, और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो $34.6 बिलियन का इनका ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। ऑर्डर बुक जितना अच्छा होगा कंपनी के आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिट उतने ही अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्वार्टर फोर का इनका जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था वो 50,000 करोड़ के मार्क को टच कर गया है। इसके साथ अगर हम देखें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो कि 25.3% है, काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि TCS एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज़्यादा नंबर में इनके रेवेन्यू आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में प्रॉफिट्स आते हैं, तो उस हिसाब से इनके अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो कि 25.3% का है, ऑल्दो पिछले क्वार्टर से ये मार्जिनल सा ही कम है, बट स्टिल इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इस क्वार्टर में एक और काफ़ी अच्छी बात रही है वो है इनका नेट एम्प्लॉय एडिशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नेट एम्प्लॉय एडिशन है ये हाईएस्ट एवर है किसी भी क्वार्टर में, तो इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं। एम्प्लॉयज़ तभी ऐड करते हैं जब उनके पास काफ़ी सारी डील्स होती हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, और ऑलरेडी हमने देख लिया है कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा आई है और यही रीज़न है कि इन्होंने इस बार एम्प्लॉय का एडिशन काफ़ी ज़्यादा किया है। एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका एट्रिशन रेट जो है वो 17.4% है। पिछली बार इनका जो एट्रिशन रेट था वो 15% का था लगभग, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि एट्रिशन रेट इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन TCS जैसी कंपनी जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए काफ़ी कुछ करती है, काफ़ी पैसे वहाँ पे स्पेंड करती है,
और फिर भी वहाँ पे इनका 2% से जो है तो एट्रिशन रेट बढ़ा है। तो ये जो बाकी की कंपनियां आने वाली हैं उनके क्वार्टर के रिजल्ट, तो उनके लिए ये हो सकता है और भी ज़्यादा नेगेटिव हो, क्योंकि वहाँ एट्रिशन रेट और भी ज़्यादा बढ़ते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। आप देख रहे हैं 39,000 के आसपास फ्री कैश फ्लो हैं, पिछले क्वार्टर से फ्री कैश फ्लो बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर में लगभग 38,000 के आसपास फ्री कैश फ्लो देखने को मिला था, तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव है एंड आई थिंक ये किसी भी क्वार्टर में सबसे ज़्यादा फ्री कैश फ्लो इस बार का इनका जनरेट हुआ है। अब अगर हम इनके वर्टिकल वाइज ग्रोथ को देखें, तो अगर हम इस क्वार्टर में बात करें तो आप देख सकते हैं रिटेल सीपीजी में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं आप मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में देखेंगे 19% की ग्रोथ है, कम्युनिकेशन मीडिया में 18% की है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 18% की ग्रोथ है, हेल्थ केयर सेगमेंट में 16% है और BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में यहाँ लगभग 12.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। यही सेम कंडीशन आपको ईयर बेसिस पर भी देखने को मिलेगी। एक अच्छी ग्रोथ इन्होंने हर वर्टिकल में दिखाई है, जो कि दिखाता है कि कंपनी हर वर्टिकल में ग्रो कर रही है, यानी कि ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब कंपनी के हमने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस तो देख ली, एक बार हम इनके परफॉर्मेंस को इनके पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.4% की ग्रोथ दिखाई थी रेवेन्यू में, और इस बार जो है ये ग्रोथ 3% की हमें देखने को मिल रही है, यानी रेवेन्यू फ्रंट में जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में हमें कम देखने को मिली है। वहीं अगर आप नेट इनकम की बात करेंगे तो ऑल्दो नेट इनकम फ्लैट से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर में इन्होंने ग्रोथ जो है 1.51% की दिखाई थी और इस क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 1.61% की दिखाई है। तो यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ है मैं कहूँगा थोड़ा सा न्यूट्रल ही है, ऑल्दो यहाँ रेवेन्यू फ्रंट में जितनी ग्रोथ पिछले क्वार्टर में थी उतनी ग्रोथ इस क्वार्टर में नहीं देखने को मिली है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे वहां पे रेवेन्यू फ्रंट में ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने, लेकिन इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं तो उसमें ईयर ऑन ईयर लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट इनके इस क्वार्टर से ग्रोथ के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे थे। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार की जो ग्रोथ थी नेट इनकम में वो लगभग 12% की थी और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा घट गई है इनकी ग्रोथ यहाँ पे इस क्वार्टर में। ऑल्दो ये नंबर बड़े हैं, आप देख सकते हैं नंबर यहाँ पे बड़े हैं, लेकिन ग्रोथ आप देखिए 8,700 से बढ़ करके 9,700 हुए थे, लेकिन इस बार 9,200 से बढ़ के सिर्फ 9,926 हुए हैं, यानी कि इस बार जो ग्रोथ है वो 7.3% की हमें देखने को मिली है। तो ऑल एंड ऑल अगर मैं कंपेयर करूं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट इनके ज़्यादा बेटर आए थे, इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो रिजल्ट उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। अब एक बार हम मार्केट के एस्टिमेट्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं CNBC की यहाँ पे जो पोलिंग हुई थी उसमें एक्सपेक्टेशन था कि इनके नेट प्रॉफिट जो है 10,000 करोड़ के मार्क को टच करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा मिस कर गया है TCS। वहीं अगर हम यहाँ पे ET Now की पोलिंग की बात करें तो वो आप देख सकते हैं कि इनका जो पोल था वो बोल रहा था कि 9,800 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट होंगे और यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जनरेट होंगे और यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट जो है 9,926 करोड़ के जनरेट किए हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन जो है तो यहाँ पे पोल में 25% के थे, यहाँ पे ये स्टैंड अलोन नंबर दिखा रहे हैं 24.5% के हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ET Now का जो पोल था वहाँ पे इन्होंने इनके एस्टिमेशन को ज़रूर बीट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ये एस्टिमेट्स को बीट कर रहे हैं तो कहीं ये मीट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़े से जो ग्रोथ के टर्म्स में अगर हम बात करें तो रिजल्ट थोड़े से डाउन रहे हैं। पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं लगभग एस्टिमेट्स जो हैं इनके EPS लगभग 1.72% से मिस हुए थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। 4,000 के लेवल से स्टॉक जो है स्लिप करके लगभग 3,450 तक गया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उतने ज़्यादा ब्लास्टिंग नंबर्स नहीं आए हैं और मार्केट भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग नंबर्स इनसे इस पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये हम चार्ट पे देख लेते हैं क्या कंडीशंस इमर्ज हो सकती हैं वहाँ पर। अगर हम IT स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कई दिनों से देखने को मिल रही है। चाहे आप इन्फोसिस की बात करें वो लगभग 1900 के ऊपर वहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होते होते फिलहाल 1770 के आसपास आज हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। सेम कहानी आपको SCL में भी देखने को मिलेगी, 1200 के ऊपर चला गया था स्टॉक और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। फिलहाल
11:34 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सेम सिनारियो आपको TCS में भी देखने को मिल सकता था, लेकिन आज इनके आने वाले थे रिजल्ट, इस वजह से ये स्टॉक जो है थोड़ा सा आज की डेट में हमें पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन नंबर इनके मिक्स से रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास नंबर तो नहीं देखने को मिले हैं, और बहुत ऑल दो कंपनी के नंबर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट यहाँ पर मैटर करता है कि एस्टिमेट्स को ये मीट करते हैं या बीट करते हैं या मिस करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ऑल दो यहाँ पे कमेंट तो कोई नहीं कर सकता है कि कल TCS में क्या होगी, वो टाइम ही बताएगा और वो मार्केट ही बताएगा, लेकिन हमारी एक वहाँ पे ओपिनियन होती है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगर कुछ ऐसे रिजल्ट रहे तो क्या उसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से एस्टिमेट्स थोड़े बहुत मिस होते हुए देखने को मिले हैं, ऑल दो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, तो रिजल्ट मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इनके मिक्स से रिजल्ट रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छी रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव गई हैं, तो वहाँ पर ये स्टॉक ऑल दो थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक अगर नीचे आता है, थोड़ी इसमें और प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो ये 200 डेमा का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पे वैल्यू बाइंग करने के लिए। अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, इसको अपने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जो है तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर स्टॉक के सपोर्ट की बात किया जाए तो एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट 3000 का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये स्टॉक जो है तो एक रेंज बाउंड सपोर्ट भी यहाँ पे ले सकता है, जो कि 3400 और 3350 के आसपास हो सकता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इन लेवल्स पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट SIP होना चाहिए वो इन लेवल्स पर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको TCS के रिजल्ट कैसे लगे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।